आज के दौर में जहां बेईमानी, नाइंसाफी और नेताओं की मनमानी उरूज पर है, ऐसे में सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। एक सादगी पसंद इंसान, एक शहरत याफ्ता शायर, मुशायरे की नदी तालीम और बुराइयों की इस्लाह के लिए हर वक्त कोशा रहने वाले, पब्लिक की सियासी नब्ज पहचान कर हालात के तहत अपनी पकड़ बनाने वाले आदिलो मुसीफ मिजाज इंसान, मुजाहिद मिल्लत डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क की पैदाइश 11 जुलाई 1930 को संभल के एक मामूली तुर्क घराने में हुई। उनकी वफात एक महीने की लंबी बीमारी के बाद 27 फरवरी मुरादाबाद के अस्पताल में हुई। 28 फरवरी 2024 को रस्म तदफीन के तहत 11 बजे दिन में लाखों लोगों के हुजूम के बीच उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान के जनाजे को पहले पुलिस प्रशासन ने सलामी दी, उसके बाद उनका आखिरी सफ़र शुरू हुआ। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क के आखिरी सफ़र में जहाँ लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले नमाखों के साथ मौजूद रहे, तो वहीं सभी सियासी पार्टियों के सीनियर नेता भी उन्हें अपनी अकीदत पेश करने के लिए उनके अंतिम सफर में पहुंचे। नमाखों से उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। देखिए, ये आदरणीय बर्क साहब का निधन, जहां हम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए, संभल वासियों के लिए एक असहनीय अपूर्णीय क्षति है, वही मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान जैसी शख्सियत को दूसरी रही है, जो अपने उम्र के 94 साल के पड़ाव पर भी एक नौजवान की तरह, जिसके दिल में उत्साह हो, उमंग हो, लोगों के लिए जज्बात हो, बेबाकी हो, ईमानदारी हो, वफादारी हो, ये हमारे जैसे लाखों करोड़ नौजवानों के लिए प्रेरणा के केंद्र है। और मैं सोचता हूँ बरसा नेताजी के साथ जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की और जीवन की आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही के तौर वो रहे, हम सब समाजवादी लोग आज बहुत दुखी हैं और ये एक अपूर्णीय क्षति है। सर, जिस तरह से एक मुस्लिम चेहरा था आपके सामने, आने वाला चुनाव है 2024 का, किस तरह से तलाश करेंगे? और देखिए, सवाल नहीं है, आज केवल बर्क साहब को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। जिया भाई और उनके सभी परिवारिक जनों को एक दुख की इस घड़ी में संबल देने आया हूँ और ये एहसास कराने आया हूँ कि बहुत कठिन घड़ी है, इस घड़ी में हम समाजवादी लोग उनके साथ हैं। मामूली बात नहीं है, कल आदरणीय बर्क साहब की डेथ हुई और जिया भाई वहां पार्टी के लिए वोट कर रहे थे, ये सच्चा समाजवादी ही कर सकता है। आज संभल ने खोई है पूरी दुनिया ने। देखिए, मैं मानता हूँ बर्क साहब आज की संसद के सबसे अनुभवी और सबसे उम्र दराज जो है वो सबसे अच्छी, उन्होंने उनका पूरा राजनीतिक जीवन जब हम देखेंगे तो उन्होंने मजलूमों की मजबूत आवाज बनने का हमेशा जो है काम किया, उनकी आवाज उठाने का काम किया। आज ये बहुत बड़ी क्षति है, संभल को ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश को एक मजबूत आवाज हमारे बीच से गई है। पहले तो मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ कुदरत से, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति भी कुदरत दे और उनको भी अपने चरणों में स्थान दे। साथ साथ मैं ये वादा भी करता हूँ कि मजलूमों की आवाज़ कमजोर नहीं पड़ने दी जाएगी, ये भी जो है हम यहाँ संभल की धरती से संकल्प लेते हैं कि उनकी आवाज़ को मजबूती से हम लोग जो है उठाने काम करें। 2024 का चुनाव आ रहा है सर, इस बीच क्या आते जाते रहेंगे साहब, बताइए, इतने मजबूत साथी चले गए तो आज चुनाव पे तो यही कहूँगा कि पहले तो आज उन्हीं के जो है वो आज सुपुर्द खाक हो रहे हैं, तो उनके बहुत सारे लोगों में तकलीफ है, हम पे भी बहुत सारे फोन आए और मैं भी दौड़ा दौड़ा जो है अपने पार्लियामेंट एरिया से नगीना से यहाँ चला है कि भाई एक बार उनको अंतिम दर्शन करूँ। एक बहुत मजबूत सितारा जिसने लंबे समय रोशनी दी संभल को, आज वो हमारे बीच से छोड़ कर चले गए, तो आज दुख में बस उनके परिवार के लिए प्रार्थना ही करता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर। डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क साहब का इस दुनिया को अलविदा कहना सियासी हलके में बहुत बड़ा वैक्यूम था। उनकी जगह पूरी करना, उसको भरना बहुत ही मुश्किल काम है। हम जैसे नौजवानों को बर्क साहब से बहुत कुछ सीखने को मिले। मेरे तो वो पार्लियामेंट में कुलीग भी थे और मेरे साथ उनका रिश्ता जुड़ा है, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब बर्क साहब के इस दुनिया में ना रहने के बाद हम जैसे नौजवानों की, उनके ग्रैंडसन जियाउर रहमान की और इस वेस्टर्न यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी
जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि आज ऐसे दौर में जब लोकतंत्र खतरे में हो, जब इंसाफ की बात कोई ना करता हो, करने से परहेज करता हो, तब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि बर्क साहब के उसूलों पर उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं और उनकी सियासत के अंदर ईमानदार लोग आज के दौर में बहुत कम। बर्क साहब उसकी मिसाल थे कि ईमानदार रहते हुए भी, आवाम की खिदमत करते हुए भी आप लगातार असेंबली और पार्लियामेंट में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, तो वो एक मिसाल है। उनको हम लोगों की तरफ से, खासतौर से जो सियासी लोग हैं उनकी तरफ से सही राज्य अल्फाज नहीं है डॉक्टर साहब की शान में कहने के लिए। डॉक्टर साहब एक ऐसे नेता है जिन्होंने गरीबों की, मजदूरों की आवाज हमेशा बेबाकी से उठाई। एक साफ छवि के नेता का जाना हम सबके दिलों को तोड़कर चला गया। उनकी कमी कोई पूरी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे आज हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब, हमारे वो सारे लोग जो डॉक्टर साहब से जुड़े हुए रहे हैं माननीय सांसद जी से, उनका जाना हम सब के लिए बहुत दर्दमंदाना है। हम यही अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो हम लोग आज संभल के, तमाम संभल के अलावा भी पूरे हिंदुस्तान के लोग आज उनके लिए गमगीन हैं, तो हम लोग उनकी यादों को अपने दिलों में लगा कर रखेंगे। जो उनके अधूरे काम हैं, उनके बेटे जो पोते साहब हैं हमारे साथ विधायक हैं ज़ियाउर रहमान वर्क साहब, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने जब वोट डालने के लिए गए थे ज़ियाउर रहमान साहब, तो उसी वक्त अपने चार्टर्ड प्लेन से हम लोगों को यहाँ भेजा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भी संवेदना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। तो हम सब लोग बस इसी दुआ के साथ सब लोग सब्र से काम लें और अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमाए। बहुत निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। लंबे समय उन्होंने राजनीतिक रूप से क्षेत्र की सेवाएं की, और मुझे लगता है कि ये पहले माननीय सांसद हैं जो मुझे जानकारी अभी पता चली है कि 94 वर्ष की आयु में, 94 वर्ष का कोई भी दूसरा सांसद इस समय संसद में नहीं है, वो सौभाग्यशाली है। आज मुझे जैसे पता चला कि उनका निधन हुआ है, भले ही उनकी 94 वर्ष की, लेकिन देखने में, कार्य करने में फुर्ती थी। मुरादाबाद लोकसभा के भी सांसद रहे हैं, यहाँ के भी सांसद आज तक थे वो, तो अपने हिसाब से उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर पार किया, और मुझे लगता है कि भविष्य में आ गए 94 वर्ष की आयु तक, मुझे लगता है कोई सांसद आगे भविष्य में नहीं हो पाए, अभी नहीं है तो भविष्य, क्योंकि जैसा हम मान के चलते हैं कि 100 वर्ष आयु किसी की होगी तो बहुत हो गई, तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, परिवार भी सौभाग्यशाली है। लेकिन निधन हुआ तो मुझको भी थोड़ा दुख हुआ, तो मैं भी उनके दर्शन करने के लिए आया था, मेरी भी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति है। और जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा करी है, विशेष रूप से उनके पोते इस समय कुंदरकी के माननीय विधायक हैं, तो उनकी जो सेवा क्षेत्र को देते रहे हैं, उनका परिवार भी भविष्य में मुझे लगता है कि आगे उसी रूप में करता रहेगा, तो मेरी उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना है, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बर्क साहब को अपने चरणों में स्थान देकर सदगति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। धन्यवाद।